रवचंद्रपी सी एस सी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ आई सिंह जोड़ी सरी देखिए लीगल इथिक्स की बात कर रहे थे इसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट पांच की बात करेंगे हम है ना आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है एडवोकेट्स के लिए उसके बारे में बात करेंगे बेसिकली जो अधिवक्ता कानून है ना नाइनटीन का उसके बारे में बात कर रहे हैं हम ना आपको पता होना चाहिए दो वीडियोज मैंने अपलोड करें अभी और आज के बाद आपका जो अधिवक्ता कानून है वो बेसिकली ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा उसमें कुछ मिसिलेनियस का पार्ट रह जाएगा उसको मैं देखूँगा जल्दी आपको बता दूंगा और बार काउंसिल्स के जो रूल्स हैं कुछ उसके बारे में बात करेंगे कुछ केसेस की बात करेंगे जल्दी फिर कंटेंप्ट तो ऑफ कोर्ट एक्ट की बात कर लेंगे ठीक है तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए लाइक करिए सब्सक्राइब करिए देखिए आप लोग लाइक भी नहीं करते शेयर भी मत नहीं करते सब्सक्राइब भी नहीं करते तो हाउ इज यू एक्सपेक्टिंग की मैं कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करूंगा थोड़ा तो प्लीज़ सपोर्ट करिए ना आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन चलिए कल जो मैंने आपको वीडियोस में बताया था वो आपको समझ में कराया तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना है ना कुछ क्वेश्चन भी पूछता हूँ कि कई बार पार्ट करो इंटरेस्ट करो आपको बेनिफिट दिखेगा इसका चलिए राइट टू प्रैक्टिस क्या होता है सेक्शन 29 को जब आप देखोगे ना एडवोकेट एक्ट नाइटी वो क्या कहता है कहता है, 29 कहता है 29 है एडवोकेट्स टू बी द ओनली रिकॉग्नाइज क्लास ऑफ पर्सन एन टाइटल करना चाहते लॉ प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है जब आप कोर्ट में उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हो कोर्ट में उस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट ही कर सकते हैं देर आर नो अदर क्लास जो ये चीज कर सकता है ठीक है इट्स ओनली एडवोकेट्स हु कैन प्रैक्टिस लॉ और दैट कैन बी कंसिडर एज ए वन सिंगलनाइज क्लास ऑफ वोकेट्स ट्वेंटी सेक्शन थर्टी कहता है राइट्स ऑफ एडवोकेट्स टू प्रैक्टिस अब अधिकार क्या है जैसे मैंने क्या करा एल एल बी कम्प्लीट कर लिया नो डिग्री हो गई हमारे पास ना हमने इनरोल भी कर लिया स्टेट बार काउंसिल्स में आपको मैंने सब बता रखा है पहले अब हमारे पास अधिकार क्या होता है तो कहता है एवरी एडवोकेट हुज नेम इज इंटर्ड इन स्टेट रोल सेल्फ बी इंटाइटल्ड एज ऑफ राइट टू प्रैक्टिस थ्रू ऑर दू बिज दिस एक्ट एक्सटेंड्स अगर आप स्टेट रॉल में इनरॉल्व हो जाते हो तो आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो लाइक सुप्रीम कोर्ट कोई ट्राइब्यूनल्स हो गया कुछ उसके अलावा यू नो कोई और भी ऐसी बॉडी जहां पे एडवोकेट्स का रोल होता है एज सच और एनी लॉ फॉर द टाइमिंग जो आपको नीड है कि आप वहाँ पे एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं वहां पे आप कर सकते हो ये बस इतनी सी राइट आपको दी हुई है आपको इतना ही राइट पता होना चाहिए इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सेक्शन थर्टी ऑल अबाउट की एडवोकेट्स के पास पावर एक अधिकार होता है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है अगर उसने लॉ के सारे क्वालिफिकेशन को पूरा करता है तो ठीक है इंक्लूडिंग एनी कोर्ट्स ऑफ इंडिया ट्राइब्यूनल या कोई भी ऐसी वहां पर आप जाकर कानून को क्या कर सकते हो प्रैक्टिस कर सकते हो अंडर ऑफ द एडवोकेट एक्ट नाइन सिक्सल थर्टी टू क्या कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू परमिट अपियरेंसेज इन पार्टिकुलर केसेज सेक्शन थर्टी और सेक्शन थर्टी टू में डिफरेंसेज आपको एनालाइज हो जाएगा अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बहुत सारे केसेज में इसको एनालाइज भी किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सेक्शन थर्टी टू क्या है तो कहता है नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर एनी कोर्ट एनी कोर्ट ऑथोरिटी और पर्सन में परमिट एनी पर्सन नॉट इनरोज एन एडवोकेट अंडर दिस एक्ट टू अपियर बिफोर एट और ही मिन एनी पर्टिकुलर केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो यू नो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आगे देखो क्या कहता है सेक्शन थर्टी थर्टी टू में अंतर क्या है अगर आप ध्यान से देखो तो सेक्शन थर्टी कहता है राइट ऑफ एडवोकेट्स टू प्रैक्टिस अगर आप एडवोकेट हो तो आप जाके एडवोकेट के नाम पे प्रैक्टिस कर सकते हो सेक्शन 32 कोर्ट्स को एनी कोर्ट इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स या कोई भी ट्राइब्यूनल कह रहा हूं या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास अथॉरिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर सकता है या परमिट कर सकता है किसी भी पर्सन को इन जनरल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरल आप एडवोकेट हो ड मैटर जो इन टर्म है मान लो एक सिंपल में एग्जाम्पल तो क्या उनको अलाउ कर सकता है तो इट्स अप टू द कोर्ट दोज हु आर नॉट एज एन एडवोकेट और एनी पर्सन को कि वो बेसिकली उस एक्ट के या उस केस में अपने आप को क्या कर सकता है अपियर कर सकता है या फिर कोर्ट के सामने अपियर हो सकता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो सेक्शन थर्टी इज ऑनली एप्लीकेबल टू द एडवोकेट सेक्शन थर्टी टू एप्लीकेबल इन जनरल सॉरी बेसिकली हा इन जनरल जिसको ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन जो है वो अपियर हो सकता है दोज हु आर नॉट एडवोकेट एज पर से कि वो का क्या नाम है एडवोकेट्स रोल में इन्वॉल्व है स्टेट रोल में इन्वॉल्व है ठीक है सेक्शन थर्टी थ्री कहता है एडवोकेट्स अलोन लोन टू प्रैक्टिस अगेन द सेम लाइन सेक्शन 29 में अगर आप एडवोकेट हैं उस नाम से तो आप सेक्शन 33 के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिस कर सकते हैं वही एडवोकेट हो सकते हैं मतलब जो एडवोकेट होंगे वही प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता है नो पर्सन सेल ऑन और आफ्टर द अपॉइंटमेंट डे बी इंटाइट टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी पर्सन अनलेस ही इज एज एन एडवोकेट अन दिस एक्ट जो इनरोल्ड नहीं है वो नहीं कर सकते हैं प्रैक्टिस इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिए बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ डायरेक्ट जैसे पल वर्स यूनियन ऑफ इंडिया का जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द एडवोकेट्स राइट टू अपियर एंड कंडक्ट केसेज इन कोर्ट इज नॉट एपसोल्यूट अगर आप एडवोकेट एक बार रिकोग्नाइज हो गए स्टेट रॉल में इन्व हो गए तो क्या आपको पास एब्सोल्यूट पावर हो जाती है कि आपको मतलब यू नो यू कैन गो एंड कंडक्ट केसेज अपियर केसेज अपियर इन केसेज इट्स नॉट एप्सोल्यूट दे आर क्वालिफाइड उसको चाहो चाहे तो कटेल कर सकते हैं ऑन सर्टन ग्राउंड जो मैंने आपको कल भी बताए थे पहले भी बताया it is subject to rules framed by the supreme court or high court under sub subsequent sections or articles of the constitution of india. the court can thus frame rules devouring advocates guilty of contempt, unprofessional or unbecoming conduct from appearing before courts. such rules will not be in conflict with disciplinary jurisdiction of the bar councils. Gaya? those rules will not be violative of article 14 of the constitution of india, article 19 of the fundamental rights, article 21 of the fundamental rights, I mean, sab इट टू प्रैक्टिस इज ओपन फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्श एंड फंडाम राइट प्रोविजन अगर आप कह रहे हो कि फंडामेंटल राइट right है तो भी वो क्वालिफाइड होता फंडामेंटलूट right नहीं होता पर एस सच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट आपको पता होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्च हाई कोर्ट ऑफ केला केस में कहा हुआ ये बात दैट स्टेटूटरी राइट है राइट टू प्रैक्टिस समथिंग दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट जैसे कल मैंने आपको एक केस बताया था कि अगर बींग ए डॉक्टर हो उसके बाद एडवोकेट हो तो आपको ये नहीं कह सकता कि आपको फंडामेंटल राइट ही है कि आपको एडवोकेट है तो आपको कोई कलटेल नहीं कर सकता मैंने आपको बोला था ना कि आपको क्वालिफाइड आपको फोकस करना पड़ेगा किसी एक चीज के ऊपर एज आई सेड स्टडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू द पॉइंट इट्स अंडर द एडवोकेट एक्ट अब तुम सोचो ना हमें एडवोकेसी का राइट मिल मिलकर आज आए हुक्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज रिकॉग्नाइजिंग अ काइंड ऑफ एडवोकेट नो इट्स एडवोकेट्स एक्ट नाइन सिक्सटी वन रिकॉग्नाइजिंग यू एज अ पर्सन ऑफ एडवोकेट अंडर सेक्शन ट्वेंटी थ्री एंड वॉट सेक्शन दैट आई सेड स्टडे एंड ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड तो स्टेटूटरी राइट हो गए वैसे भी अरे बात को समझे कि नहीं समझे ठीक है वॉट अब स्ट्राइक और वॉयकट क्या पावर होता है स्ट्राइक और वॉयकट करने का तो आंसर है सिंपली नहीं नहीं होता है पावर आपके पास कोई भी ये नहीं कह सकता कोई एडवोकेट्स का एसोसिएशन कभी भी उठ के ये नहीं कह सकता कि सर कल हम नहीं आएंगे एडवोकेट हमारा स्ट्राइक वॉयकट हो नहीं देर इज अ प्रॉपर सिस्टम वकालत में हम हाथ मिले के नहीं कह सकते कि सर हम तो कल आएंगे ही नहीं किसी भी क्लाइंट का कुछ भी हो तो ये बहुत बड़ा यू नो मिसकंडक्ट माना जाता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो नो दिस पॉइंट कई बार होता है कि एसोसिएशन चीफ जस्टिस को या फिर डिस्ट्रिक्ट जो जज हैं उनको बता दिया जाता है कि सर हम कल एक दिन ज्यादा कर भी नहीं सकते वैसे कई केसेज में बहुत एक्सट्रीम अगर अर्जेंसी ना हो जहां पर आपकी डिग्निटी यू नो ऑफिस के प्रोफेशनलिज्म की सवाल ना हो तब तो अब तक आप नहीं कर सकते तो उस केस में भी आपको नोटिस देना पड़ेगा पूछना पड़ेगा बताना पड़ेगा इन्फॉर्म करना पड़ेगा उसमें तो फिर बाइंडिंग हो जाता है अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं कर सकते मान लो बार काउंसिल ने कह दिया कि नहीं कर सकते स्टेट बार काउंसिल ने तो उसके बाद भी अगर आप करते हो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं सेक्शन थर्टी फाइव क्या है? कहता है पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर मिसकंडक्ट अब देखिए कहता है वेयर ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट और अदरवाइज स्टेट बार काउंसिल हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी एडवोकेट ऑन रोल सिर्फ और सिर्फ अपने ही रोल एडवोकेट्स पे दिल्ली बार काउंसिल महाराष्ट्र एंड गोवा के बार काउंसिल के किसी एडवोकेट पे नहीं कह सकता कि मैं उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ले सकता हूं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी अपने स्टेट रोल में अगर इनवॉल्ड है कोई एडवोकेट दिल्ली में एक लाख छियालीस हजार एडवोकेट इन्वॉल्व है उसमें से किसी एक के पर सवाल उठ रहा है तो स्टेट बार काउंसिल ऑफ दिल्ली उसके ऊपर एक्शन लेगी हैज गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट कंडक्ट इट्स अ वेरी वेक टर्म प्रोफेशनल मिसकंडक्ट यू नो अदर मिसकंडक्ट वो अब डिपेंड करेगा केस बाई केस की क्या होगा

द डिसपिन्ररी कमिटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल सेल फिक्स डेट फॉर द हिरिंग ऑफ द केस एक हियरिंग ऑफ द केस फिक्स करेगी इतनी तारीख को आपकी हियरिंग होगी बिना हियर किए नहीं कर सकते ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है भले ही से टू है ये राइट टू प्रैक्टिस पर ये नहीं कोई कह सकता कि कल तुमको तुम्हारे खिलाफ मिस आया है आपके खिलाफ मिस कंडक्ट मेरे खिलाफ कंप्लेट हुआ है तो कल से आपको प्रैक्टिस हटा देंगे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते डीवार कर दिया गया देर इज अ चांस अपॉर्चुनिटी ऑफ फर्ट देना पड़ेगा आपको सुनना पड़ेगा उनकी कहानी तब तक नहीं कर सकते बिना उनको मौका दिए हुए तब वो वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का फिर ठीक है ना कि मुझे मौका ही नहीं दिया गया बोलने का एक डेट फिक्स करेगी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आएंगे या तो खुद आएंगे या फिर किसी अपने थ्रू एडवोकेट को किसी एडवोकेट को बोलेंगे वो उनके यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं अगर दिल्ली में हो तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं ठीक है चाह आपको पता होना चाहिए आप क्या कर सकते हैं एडवोकेट जनरल के साथ प्रेजेंस में स्टेट बार काउंसिल एक्शन ले सकती है डिसमिस कर सकती है कंप्लेन को प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकती है रिप्रीमांड द एडवोकेट सस्पेंड कर सकती है एडवोकेट को कुछ खरी खोटी सुना सकते हैं रिमूव कर सकते हैं स्टेट वॉल बार से पर एज सच उनका लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते हमेशा हमेशा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कंटेम्प्ट ज्यूरिस्डिक्शन एक अलग चीज होती है मैंने पहले भी डिस्कस किया मैं अभी जब रूल्स पढ़ाऊंगा उसमें भी एक चीज बताऊंगा कि लाइसेंसिंग जो होता है ना उसको उसको मतलब खत्म कर देना इट्स अ डिफरेंट थिंग सस्पेंड द एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिस फॉर सच पीरियड एज इट मे डीम फिट उस समय के लिए आपका आपको सस्पेंड किया जाता है सच आप एडवोकेट नहीं हुए नहीं कहा जाता अगर पुलिस को सस्पेंड कर दिया थोड़ी वो पुलिस नहीं देता पुलिस तो आई वो अभी सस्पेंशन में चल रहा हूं इंक्वायरी में बैठे हुई उसके ऊपर ठीक है वो डिबार हो सकता है प्रैक्टिस नहीं कर सकता किसी भी अथॉरिटी या किसी ऐसा नहीं हो कि इस रॉल साइड के दूसरे रोल में जाकर प्रैक्टिस करने लगे ऐसा नहीं होता है ठीक है ना स्टेट बार काउंसिल तू ए खुद आ सकते हैं कोई आ सकता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया सेम तरह का पावर डिसिप्लिनरी पावर्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भी होता है

पर अगर आपने कुछ ऐसा किया है एन एडवोकेट मान लो दिल्ली से ट्रांसफर करा रहे हो गया यहां से बीच में प्रोसीजर चल रहा है से हटा दिया गया ना नहीं तो अभी तो 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 कहीं नहीं हो ना तो उस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी चाहे तो एक्शन ले सकती है डायरेक्ट और वैसे भी स्टेट बार काउंसिल चाहे तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को केसेस रेफर करती हैं बार काउंसिल भी ऑफ इंडिया सो मोटे भी एक्शन ले सकती है बात आपको पता होना चाहिए वही चीज यहां लिखे हुए बस एडवोकेट जनरल की जगह अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं चाहे वो खुद आ सकते हैं या उनके फिलहाल में कुछ एडवोकेट आ सकते हैं ठीक है सेक्शन थर्टी सिक्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी वो आप सब समझते हैं डिस्पोजल ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कैसे कैसे डिस्पोजल होगा मौका दिया जाएगा उनको सुनेंगे समझेंगे बार काउंसिल स्टेट बार काउंसिल से फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कर चीज़ें जाती हैं फिर वहां सुनी जाती है सारी बातें होती हैं ठीक है या तो खुद बार काउंसिल भेजती है स्टेट बार काउंसिल या फिर आपके आपके के पास मौका होता है कि आप अपील कर सकते हैं विद इन सिक्सटी डेज विद इन सिक्सटी डेज साठ दिनों के अंदर आप चाहो तो अपील कर सकते हो कहां पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अगर आप स्टेट बार काउंसिल ने खुद ने नहीं भेजा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि सर इस पे आप ऐसा करो आप एक्शन लो तो आप खुद भी अपील कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं यहां पे मेरे फेवर में जजमेंट नहीं है या फिर जजमेंट से आप खुश नहीं हो तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कर सकते हो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सेम प्रोसीडिंग चलती है बिल्कुल और फिर अगर वहां भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में सिक्सटी डेज के अंदर अब यहां पर एक दो चीज इंपॉर्टेंट होते रूल्स में पढ़ोगे आप रूल्स पढ़ाऊंगा मैं आपको तब आराम से पढ़ेंगे चिंता की बात नहीं रूल्स भी पढ़ाऊंगा मैं आपको धीरे धीरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कई बार क्या होता है सुप्रीम कोर्ट अब देखो एक चीज मैंने आपको बोली अगर मान लो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्शंस के खिलाफ भी आपको कहीं जाना है तो क्या हाई कोर्ट जा सकते हो बताओ एक मिनट पॉज करना सोचना आंसर होगा नहीं जा सकते आप केसेस में बोल रखा है बार काउंसिल ऑफ सुप्रीम बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन परस ऑफ इंडिया के केस में बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कि नहीं जा सकते इट्स इट्स अप टू द ओनली टू द सुप्रीम कोर्ट जहां आप जा सकते हो अगर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ जाना है बार काउंसिल ऑफ इंडिया भी अगर चीजों को भेजना चाहती है मान लो तो सुप्रीम कोर्ट ही भेजेगी स्टेट बार काउंसिल का वैसे भी कोई बाइंडिंग नहीं होता बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उसके ऊपर मोहर के ऊपर अगर मैं मालूम या फिर मैं सिंपली कहूं बिना उनके ओके के तो आप ऐसा करो अपील करो अपील कर लिया वहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो आप कहा जा सकते हो सु, सु, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो विदिन दिक्कटी डेज ऑफ द डेट ऑन विज ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू हिम कम्युनिकेटेड टू हिम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जिस दिन ऑर्डर आपको बोला गया बताया गया प्रेफर सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में पास सच एन ऑर्डर देर फॉर एजी डीम फिस्ट अब ऐसा होता है कई बार कि अगर मान लो अपीलिंग मेथड में चल रहा है तो क्या स्टेट ऑफ ऑर्डर हो जाता है क्या अपीलिंग ऐसा इज नॉट स्टे ऑफ ऑर्डर अगर आपने कह दिया कि सर मैं स्टेट बार काउंसिल के खिलाफ अपील कर रहा हूं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सिक्सटी डेज के अंदर और उनसठ दिन तक आपने अपील नहीं किया साठवां दिन अगर अपील करो तो क्या अपील करते ही या फिर अगर इसे बोलू पहले दिन अगले दिन अपील कर दिया तो क्या वो स्टे ऑफ ऑर्डर हो गया क्या नहीं होता ट अटे ऑफ ऑर्डर वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलेगी स्टे ऑफ ऑर्डर कर दिया गया अभी आपके पहले वाले स्टेटमेंट के ऊपर या पहले वाले जजमेंट के ऊपर सेम चीज सुप्रीम कोर्ट भी कर सकती है एज सच अपीलिंग इज नॉट स्टे ऑफ ऑर्डर स्टे ऑर्डर नहीं होती वो कि हमने अपील कर लिया तो हमारा जो यू नो डीवार किया गया था वो स्टे हो गया नहीं I still reward. क्या, डिवार हो आप अंटिल अल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया रिस्पेक्टिवली अपने अपने केसेस में आपको कह नहीं था कि स्टे ऑर्डर है अभी आपको स्टे कर दिया गया आपके कन्विक्शन के ऊपर आपके जो भी आपका ऑर्डर आया था नीचे से समझ रो मेरी बात इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो स्टेट ऑर्डर देखो एन अपील मेड अंडर सेक्शन और नॉट सेट स्टे ऑफ ऑर्डर अपील बट द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ द द द सुप्रीम कोर्ट एज केस फॉर डायरेक्ट कर सकती है कि अभी क्या है वो स्टे ऑर्डर है अरे बात को समझेगी नहीं समझे मैं आपको बताऊंगा कभी कंटेम्प्ट कंटेप्टरिस्डिक्शन क्या होता है और सेक्शन थर्टी एट और कंटेम जोरिस्डिक्शन एक अलग होता है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट किस केस में कह रहा हूं मैं ये अपील टू द सुप्रीम कोर्ट किस केस में कहा जा रहा है अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आपको आपके मिसकंडक्ट के लिए प्रॉब्लम हुआ कंटेम्प्टज अ डिफरेंट थिंग मिसकंडक्ट कैन भी एनी थिंग देखिए एवरी कंटेम्प्ट कोर्ट इज असकंडक्ट बट एवरी मिसकंडक्ट इज नॉट अ कंटेंट ऑफ कोर्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट समझे बात को नहीं है हर मिसकंडक्ट कंटेप्ट ऑफ कोर्ट जरूरी नहीं है पर हर कंटेंट ऑफ कोर्ट एक तरीके का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है

जो होता है उधर पॉस करके पढ़ लो समनिंग कर सकते हैं डिस्कवरी ऑफ एविडेंस डॉक्यूमेंट्स पब्लिक रिकॉर्ड्स और कोबी इधर ऑफ एनी कोर्ट और ऑफिस कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सर डॉक्यूमेंट्स इन अदर मैटर विच में प्रसक्राइब ठीक है ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं सेम पावर दैट इज दर इन द सिविल कोर्ट ठीक है तो इतनी सी चीज आपको पता होनी चाहिए एंड फाइनली uh, सेक्शन uh, फोर देखो प्रोवाइडेड नो फाइनल ऑर्डर ऑफ द नेचर इन द सब सेक्शन थ्री सेक्शन बी मेड इन एनी प्रोसीडिंग अनलेस द चेयरमैन अदर मेंबर्स ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी आर प्रेजेंट अब कई बार क्या होता है ना कि मान लो चेयरमैन नहीं है तो चेयरमैन नहीं है तो मीटिंग प्रोसीड कर सकते हो आप पर फाइनल ऑर्डर नहीं ले सकते बार काउंसिल में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाँ चेयरमैन नहीं है और आपने कोई एक्शन ले लिया कुछ बातें हुई कुछ मीटिंग हो गई प्रोसीड कर गए तो सिर्फ इस बेसिस पे वो डिनाई नहीं हो सकता कि सर चेयरमैन साहब नहीं थे और इन्होंने मीटिंग प्रोसीड कर ली तो मैं उस मीटिंग को मेले नहीं, नहीं मानता नहीं मीटिंग हो सकती है बातें भी हो सकती है आपके ऊपर प्रोस, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी चल सकती है पर फाइनल ऑर्डर बिना उनके प्रेजेंस के नहीं होता ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है ना सेक्शन 44 रिव्यू ऑफ बाय द डिसिप्लिनरी फोर्टी डिसिप्लिनरी रिव्यूरी खुद खुद भी विद इन सिक्सटी डेज चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं रिव्यू कर सकते हैं अपने खुद के जजमेंट को ठीक है चलिए यही था ऑफ कोर्ट और केसेज एंड एडवोकेट की एक्ट के ऊपर को केसेज उनके बारे में बात, करें, बात करेंगे कुछ मिसलेनियस पार्ट उसके बारे में बात करेंगे ठीक है दिस इज वॉट एडवोकेट्स एक्ट नाइटी सिक्सटी वन इतनी सारी बातें आपको पता हो चाहिए रूल्स इंपॉर्टेंट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दिल्ली के भी रूल्स आपको बताऊंगा बीसीडी के थैक्स फॉर वॉचिंग प्लीज टेक के चैनल को लाइक सब्सक्राइब बड़ा बना है इस चैनल को इट वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना तभी इतनी सारी चीजें बताने मजा भी आएगा मेरे को थैंक यू